हमारे वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन कर लें, जिससे आप लोग लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एमआई मोबाइल फोन के या फिर साउमी के जो फोन्स आते हैं उनके 5 ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं और शायद आप लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो फीचर्स हैं आपके बहुत ज्यादा काम के हैं, तो वीडियो को आखिर तक तो देखिए। उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वैसे दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग 1000 लाइक का टारगेट रख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा कर दोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन पे एक साथ दो ऐप्स को इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे आप लोग व्हाट्सएप को भी चलाना चाहते हो, यूट्यूब को भी चलाना चाहते हो या फिर कोई भी जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको भी चलाना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन में स्प्लिट स्क्रीन को ऑन कर लोगे उसके बाद दोस्तों आप लोग एक साथ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दो ऐप्स को यूज कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग YouTube भी चलाना चाहते हैं और चैटिंग भी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके YouTube प्लस कोई भी जो एप्स अनदर एप्स है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो गिर जाता है, उसके बाद साइड में जो टच स्क्रीन होती है वो काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे अगर आपके मोबाइल फोन का जो टच है वो साइड में काम नहीं करता है तब भी आप लोग अपने मोबाइल फोन को ईजिली यूज कर पाओगे। दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में 100 मोड होता है जो वो यूज करना होगा, यानी इनेबल करना होगा। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन में 100 मोड को इनेबल कर लोगे उसके बाद आपके मोबाइल में चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो टच है वो काम नहीं करती होगी, तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन में जो यूज है वो कर पाओगे। तो ये फीचर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन को एक हाथ से ही चलाना चाहते हो, यानी छोटा करके चलाना चाहते हो, तब भी आप लोग इस जो एप्स है 100 मोड या फिर जो फीचर्स है 100 मोड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं तीसरे हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन में कुछ ऐसे प्राइवेट फोटोज या फिर वीडियोज होते हैं या फिर नोट्स होते हैं जिनको आप लोग हाइड करना चाहते हो, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एमआई का फोन इस्तेमाल करते होंगे तो इसमें आप लोगों को जो लॉक होता है या फिर जो फाइल गैलरी लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही आप लोग नीचे को अपने मोबाइल फोन का जो फाइल मैनेजर है या फिर जो गैलरी है उसको स्क्रोल करोगे ज्यादा नीचे को, तो आपको वहां पर एमआई अकाउंट से लॉग इन करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने प्राइवेट फोटोज या फिर वीडियो बहुत ही आसानी से वहां पर हाइड कर सकते हो, और बिना वो लॉक डाले या फिर वो पासवर्ड डाले आप लोगों के जो फोटो या वीडियो है वो कोई भी नहीं देख पाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हिडन फीचर्स है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं था। दोस्तों बात करते हैं चौथे हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में किसी ऐप्स को छिपाना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से यहां भी थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करते हो उसके बाद उस ऐप्स में उस ऐप्स को हाइड करते हो। लेकिन दोस्तों जो एमआई के मोबाइल फोन होते हैं उनमें आप लोगों को जो हाइड एप्स का फीचर है वो ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। आप लोग बहुत ही आसानी से सेटिंग में जाके किसी भी एप्स को हाइड कर सकते हो और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इस एप्स को हाइड करके रखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं पांचवें हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने आजकल जितने भी मोबाइल फोन देखे होंगे उन सभी में आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो उनमें जो डार्क मोड है वो ऑटोमेटिकली इनेबल और डिसेबल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो MI के मोबाइल फोन आते हैं या फिर जो अभी नया अपडेट आया है MIUI 11 का, उसमें दोस्तों जो आपको डार्क मोड है उसका ऑटोमेटिकली इनेबल और डिसेबल का जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाता है। आपको यहां पे इनेबल के लिए टाइम सेट करना है और डिसेबल के लिए टाइम सेट करना है। उसके बाद दोस्तों उस टाइम पे जो डार्क मोड है, जैसे रात हो रही है तो उस टाइम पे डार्क मोड इनेबल्ड हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही सुबह होगी डार्क मोड डिसेबल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है, शायद आप लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना आप लोगों को इनमें से कौन सा जो फीचर्स है वो सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की यूजर आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।